का 50-50 भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, बड़ी सियासी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी खत्म करने वाले अगर कार्यकारिणी बनाएंगे तो भगवान ही मालिक है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को बर्बाद करने वालों का खुलासा करूंगा। यह भी कहा कि विधायक विधानसभा देखेंगे या संगठन का काम देखेंगे। कैसी कार्यकारिणी, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है, सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। कैसी कार्यकारिणी, तो अजय सिंह राहुल भैया के नाम पे नाम से जाने भी जाते हैं, बड़े नेता हैं, नाराजगी उनकी अब सामने आई है। और वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कार्यकारिणी अव्वल चीज तो गठन देरी से हुआ और जैसे ही हुआ तत्काल फिर ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। वासु, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की कार्यकारिणी जो है घोषित हुई है, एमपीसीसी घोषित हुई है, उसके बाद से लगातार सियासी बवाल जारी है। और बड़ी बात यह है कि जो तीखे हमले हो रहे हैं वो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। कल देर शाम हमने लक्ष्मण सिंह का ट्वीट भी दिखाया था और अजय सिंह राहुल जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, मौजूदा समय में विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस की नई टीम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विधायकों को इसमें जगह दी गई है, विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र देखेंगे या संगठन के कामकाज देखेंगे। इतने लंबे समय बाद ये टीम बनी, उसमें भी जिस तरीके से नियुक्तियाँ हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन नेताओं की लंबे अरसे से कांग्रेस में चलती हुई आ रही है, उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए बड़े नेताओं का जिक्र जरूर किया है और उनके कारण जो दुर्दशा हुई है, अगर अभी भी उनकी ही सुनकर चला जाए तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस का क्या कुछ भविष्य हो सकता है, उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगाए हैं। बड़ा बयान अजय सिंह राहुल ने दिया है। इसके पहले भी कई मौकों पर जब 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। रीवा और विंध्य क्षेत्र से वो आते हैं, विंध्य क्षेत्र को लेकर उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात कही कि रीवा हो, सिंध हो, रीवा हो, सीधी हो, सिंगरौली हो या फिर कटनी हो, ये पूरा जो अंचल है यहाँ से अगर कुछ गिने चुने 3-4 नाम ही निकल कर सामने आ जाए तो बड़ी बात है। उदाहरण के तौर पर, यानी कि अगर आपने इतने बड़े एक क्षेत्र को अछूता छोड़ दिया है तो फिर वहाँ पर क्या कुछ स्थिति होगी, इसको लेकर भी अजय सिंह राहुल की जो निराशा है वो निकल कर सामने आई है। और बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस अब इस सबसे कैसे डील करती है। हालांकि इससे पहले एक ट्वीट भी ललित जी सामने आया था, वो भी आपने देखा होगा, जिसमें जीतू पटवारी का ये संदेश था कि आने वाले समय में अनुशासन समिति और कई तरीके की जो कमेटीज है वो बननी है, उसमें जिन लोगों को जगह। लेकिन मार्के की बात, मार्के की बात तो रवि सक्सेना कह गए, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। वासु, लगातार बने रहिएगा, नेहा बग्गा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, नई कार्यकारिणी आई, थोड़ी छोटी आई थी पर सवाल उससे ज्यादा हो गए, आप लोगों से ज्यादा तो कांग्रेस ही आपका काम कर रहे हैं। नेहा जी, नहीं देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी की तो जब तक सिर पोर्टेबल ना हो तब तक कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता। हाँ, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। जिस दिन से आए हैं जी, जिस दिन से आए हैं उस दिन से आप देखिए कि लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया। कार्यकारिणी आज घोषित होती है, शाम को नाम विड्रॉ करने पड़ जाते हैं। प्रकोष्ठ के नाम विड्रॉ किए थे, प्रकोष्ठ के नाम डिक्लेयर किए, 24 घंटे नहीं हुए, कांग्रेस को उसको वापस लेना पड़ा। ठीक। और जो स्थिति है वो तो चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे उपनेता प्रतिपक्ष हो, चाहे राहुल भैया हो, सभी आईना दिखाने का काम कांग्रेस आला कमान को कर रहे हैं। ठीक ठीक। अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी रिएक्शन ले लें। अवनीश बुंदेला साहब, कार्यकारिणी को लेकर सवाल, अजय सिंह राहुल भैया, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वो खुलासा करेंगे। इसके अलावा सतीश सिकरवार, गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, ये सब नाम, रवि सक्सेना, ये नजरअंदाज तो नहीं किए जा सकते। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, ये हमारे परिवार की बात है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की बात है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर कार्यकारिणी आई है, अगर किसी को शिकायत शिकवा है तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ आपत्ति दर्ज कराने पे कुछ नहीं होता। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराई, उस चीज को संज्ञान में लिया जाएगा।
ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जहां की आपत्तियों को दबा दिया जाता है। आप मुझे बताएं, गोपाल भार्गव कह रहे हैं 15,000 दिन से मैं विधायक हूं, मंत्री नहीं बनाया, रामनिवास रावत उसका उसके उसके ऊपर भाजपा उत्तर दे दे, वहां वहीं आप जाएं तो शैलेंद्र जैन अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वहीं आप जाओ तो प्रदीप लारी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अजय विश्नोई जी कितनी बार नाराजगी व्यक्त कर चुके। मैं एक नेता का नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो मतलब स्वर्गवासी हो गए प्रभात झा जी, उनने कितनी तीखी तीखी बातें नहीं कही जब उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया था, उमा भारती ने कितनी तीखी तीखी बातें नहीं कही। लेकिन ये राजनीति है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बात है कि बातों को दबाया जाता है। वैसे भी जो हमारे 28 लोग बेंगलोर के रास्ते आपके यहाँ गए थे उनके भी आप बयान निकाल लीजिए, गोविंद राजपूत जी जब हमारे कांग्रेस में थे वो क्या बयान देते थे, तुलसी सिलावट क्या बयान देते थे। ठीक है, ठीक है, आप तो वो वाली कांग्रेस पे चले गए। ठीक है अवनीश जी, मैं रोक रहा हूँ, वक्त की कमी, प्लीज आपका पूरा जवाब लिया मैंने, धन्यवाद आपका। नेहा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं,